सर, क्या नाम है जी? सुनील कुमार। हाँ जी सर, आज बाघा बॉर्डर पहुँचे गेट देखने के लिए, कैसा लग रहा है और कहाँ से आए आप? सर हम हरियाणा से आए हैं और ये कोरोना के चलते हुए काफ़ी दिनों से बंद था, तो हम अमृतसर में रुके हुए हैं। तो ये दो दिन पहले भी आए थे हम परेड देखने के लिए, तो हमारी एंट्री नहीं हुई। अभी सरकार ने 300 बंदों की कोरोना के बाद एंट्री चालू की है, तो BSF से परमिशन लेके बहुत खुशी मिली। आज हमें मौका मिला परेड देखने का और बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें। कोरोना के महामारी के चलते हुए बाहर निकलने का मौका ही नहीं लग रहा था, और पंजाब सरकार से भी हम खुश हैं कि उन्होंने ये चालू करवाया यहाँ पर बाघा बॉर्डर पर। तो हम सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोरोना महामारी अब थोड़ा बंद हो चुकी है, तो अब कुछ बढ़ा दिया जाए, जैसे 300 की बजाय 1000 बंदों की परमिशन हो जाए तो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और देशभक्ति की भावना जगती है यहाँ आने के बाद सर, और आपके चैनल को भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप इन बातों को सरकार तक पहुँचाओगे। जय हिंद जय भारत। आयुष माजन, क्या कहना चाहते हैं बॉर्डर पे आए? बॉर्डर पे आए कोरोना की वजह से, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे और VIP लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं। हम जैसों के ऐसे हज़ारों जनता बाहर खड़ी है, तमाशा देख रही है, बस रोज का ही ऐसे ही है। 4-5 दिन हो गए रेगुलर आ रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रही है। आपने BSF अधिकारियों से बात की? बात भी की, वो कहते नहीं VIP जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, MLA वगैरह ये वो सब जाएंगे और कोई नहीं जाएंगे। आपने नवनीत चौक से कहाँ से आया? मध्य प्रदेश नरसिंहपुर। आज से रिटीट सेरेमनी चालू हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर ये तो खुशी की बात है कि आज से शुरू हो रही है, लेकिन सर निराशा से भी है कि हम इतनी दूर से आए हैं लेकिन परेड देखने को नहीं मिलेगी। क्या कहना BSF अधिकारियों से बात की? जी सर, वो बोल रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कहाँ से परमिशन लेना है। तो ये परमिशन लेने का प्रोसीजर सिंपल रहना चाहिए, जो जिससे आम आदमी भी परमिशन ले सके। लेकिन सर VIP लोगों को परमिशन है जो कि सीधा अंदर जा रहे हैं। मुकेश कुमार सर, कहाँ से आए आप? जिला चंदौली बनारस से। हाँ सर, बाघा बॉर्डर पर टीट सेरेमनी शुरू होने जा रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पर आने का बहुत दिल खुश हुआ है। यही है, दिल उदास हो रहा कि अंदर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो आपने BSF अधिकारियों से बातचीत की? हाँ सर, बातचीत की है कि 300 लोगों को छूट दिया गया है। तो मन में इच्छा होगी जाने की? हाँ, अच्छा हो जाएगी। बहुत लकी है कि हम लोग बहुत अच्छे दिल लगा कर आए उतने दूर से, जिला चंदौली से बनारस, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर से। हक दे सच दी खबर ले, लाइक दे, सब्सक्राइब करो पंजाब द नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट न्यूज़।